नमस्कार दोस्तों दोस्तों मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी कि एमपीडी यानी कि एकाधिक व्यक्तित्व विकार एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को स्वयं में अपनी ही तरह का एक अन्य व्यक्तित्व होने का अनुभव होता है। कई मामलों में वास्तविक व्यक्ति को अपने दूसरे और काल्पनिक रूप के बारे में जानकारी होती है, जबकि कई मामलों में वास्तविक व्यक्ति उससे अनजान रह सकता है और ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर नामक स्थितियों के समूह का एक विकार माना जाता है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर मानसिक हेल्थ से जुड़ी बीमारियां हैं जिसमें व्यक्ति को चेतना जागरूकता और पहचान संबंधी समस्याएं हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब इनमें से एक या अधिक समस्याएं किसी व्यक्ति को एक साथ हो जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप उसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की समस्या हो सकती है। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है और इसके लक्षण हल्के और गंभीर दोनों हो सकते हैं। यदि इस विकार का असर व्यक्ति के निजी जीवन और कामकाज पर पड़ने लगे तो ये कई अन्य प्रकार की समस्याओं को जन्म दे सकता है और इस विकार का मुख्य कारण बचपन में गंभीर चोट, शारीरिक या यौन शोषण या फिर कई अन्य भावनात्मक समस्याएं हो सकती है। तो इस वीडियो में हम मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लक्षण, कारण और इसके इलाज के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का सबसे सामान्य लक्षण किसी व्यक्ति की पहचान दो अलग अलग व्यक्तियों के बीच अनजाने में विभाजित होना है, यानी कि इस विकार से ग्रसित व्यक्ति का पर्सनालिटी स्प्लिट हुआ करता है। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में अन्य मानसिक विकारों में देखे जाने वाले कई मनोवैज्ञानिक लक्षण भी सामने आ सकते हैं और इनमें से कुछ की बात करें तो उसमें है डिसोसिएटिव एमनेजिया। ये एक प्रकार से याददाश्त से संबंधित स्थिति है, हालांकि ये किसी चिकित्सा स्थिति से जुड़ी हुई नहीं है। साथ ही साथ शरीर में गंभीर दर्द या सिर दर्द, डीपर्सनलाइजेशन यानी कि अपने ही विचारों, भावनाओं और शरीर से अलग थलग महसूस करना, साथ ही साथ डी रियलाइजेशन यानी कि ऐसा महसूस करना जैसे कि आसपास का वातावरण अलग, विषम या झूठा है, साथ ही साथ अवसाद या मूड स्विंग होना, चिंता, खाने या नींद लेने में दिक्कत महसूस होना, सामान्य रूप से संभोग के कार्यों में दिक्कत महसूस होना, स्वयं को नुकसान पहुंचाने जैसे ख्याल आना और आत्महत्या का विचार आना। और इस विकार में 70% लोगों को आत्महत्या के विचार आते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होने का कारण क्या है। तो दोस्तों बचपन में किसी प्रकार की गंभीर चोट या उत्पीड़न को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का प्रमुख कारण माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि एमपीडी के लगभग 90% मामले उत्पीड़न से संबंधित होते हैं और ये उत्पीड़न यौन, शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार का हो सकता है। इसके अलावा गंभीर दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध जैसी स्थितियों के कारण व्यक्ति को हुई मानसिक क्षति भी इस विकार का रूप ले सकती है। और बात की जाए कि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का निदान यानी कि डायग्नोसिस कैसे होता है, तो दोस्तों यदि किसी व्यक्ति में हमने आपको जो भी लक्षण बताए हैं वो मौजूद है तो डॉक्टर उसकी मेडिकल हिस्ट्री जानने के अलावा कुछ शारीरिक परीक्षण भी कर सकते हैं। वैसे तो अब तक इस विकार का सटीक रूप से पता लगाने के लिए कोई भी प्रयोगशाला परीक्षण उपलब्ध नहीं है, हालांकि कई प्रकार के इमेजिंग टेस्ट जैसे कि एक्सरे, सिटी स्कैन या एमआरआई और आवश्यकता अनुसार ब्लड टेस्ट के माध्यम से इसका निदान किया जाता है। इसके माध्यम से ये पता चल जाता है कि व्यक्ति को अन्य कोई शारीरिक बीमारी या फिर किसी प्रकार की दवाओं का साइड इफेक्ट तो नहीं है। इन परीक्षणों के आधार पर यदि व्यक्ति में किसी बीमारी और अन्य कारणों का पता नहीं चलता है तो उसे किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के पास भेज दिया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस प्रकार की बीमारियों के निदान और इलाज के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं। वे व्यक्ति से बातचीत करके उसके पुराने अनुभवों और वर्तमान कार्य प्रणाली के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और इससे स्थिति को समझने में आसानी होती है। और इन बातों की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमने आपको परीक्षण बताए हैं और बातचीत के माध्यम से मनोरोग विशेषज्ञों को बीमारी के बारे में समझने में आसानी होती है और इसी के आधार पर इलाज की प्रक्रिया शुरू की जाती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का इलाज कैसे होता है। तो दोस्तों मनोचिकित्सा यानी कि साइकोथेरेपी को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का प्राथमिक इलाज माना जाता है। इस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से विकार के कारणों को समझते हुए उसी के आधार पर इलाज किया जाता है। साइकोथेरेपी के अलावा हिप्नोसिस जैसी इलाज की पद्धति भी कुछ लोगों में फायदेमंद हो सकती है। इसके अलावा विकार के लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए डॉक्टर कुछ दवाइयां भी दे सकते हैं। वैसे तो इस विकार के लिए किसी भी दवाई को प्रमाणिकता नहीं मिली है, फिर भी लक्षणों को ठीक करने के लिए कुछ दवाइयों को प्रयोग में लाया जाता रहा है। एमपीडी के इलाज के लिए कुछ प्रकार की दवाइयों को प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कि एंटी एंग्जाइटी यानी कि चिंता को दूर करने वाली दवाइयाँ, एंटी साइकोटिक दवाइयाँ और एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ।
कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की बात करें तो मनोचिकित्सा की इस पद्धति में रोगी की सोच, भावनाओं और व्यवहार को बदलने की कोशिश की जाती है और एक होता है डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।